वेलकम स्टूडेंट, ये क्लास नंबर आई थिंक 19 है और इस क्लास नंबर 19 के अंदर हम अब अपना अगला जो सेक्शन है वो देखेंगे, जो कि है आपका इंसर्ट टेप के अंदर टेबल बनाना। ठीक है, टेबल देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि न्यूज़पेपर वगैरह में आप कॉलम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने अपने टेक्स्ट को दो या तीन या चार जितने हिस्सों में आपने जो है ब्रेक डाउन करना है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेंगे तो देखें स्टूडेंट, होता यह है कि अमूमन जो कॉलम है वो फिर इस काम नहीं आ सकते आपके, ये कभी ऊपर नीच भी ज़्यादा कर देते हैं और टेक्स्ट को आगे पीछे ज़्यादा कर देते हैं कॉलम में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इससे बेहतर सूटेबल चीज़ क्या है, वो है आपका टेबल बनाना। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ इस पेज के अंदर, और सबसे नीचे आके जहाँ पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक टाइटल ले लेता हूँ एज अ गेस के हैदराबाद होटल प्राइस लिस्ट। ठीक है, ये प्राइस हैदराबाद होटल प्राइस लिस्ट मैंने बनानी है। ये इसको एक अच्छा सा टाइटल भी दे देते हैं। ठीक है, होम पर चल के और टाइटल यहाँ से ये दे देते हैं। ठीक हो गया, और इसको सेंटर कर देते हैं और इसे जो है ज़रा यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके नीचे टेबल बनाने लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। ये मैंने शॉर्टकट की इस्तेमाल किए कंट्रोल एल, और फॉन्ट छोटा कर देते हैं और कंट्रोल ब्रैकेट की दबाएंगे तो आप फॉन्ट छोटा हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉन्ट साइज से भी जाकर कर सकते हैं। इंसर्ट में चलते हैं फिर से और टेबल पे क्लिक करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं स्टूडेंट, जैसे ही आप अपने माउस को बॉक्सेस पे लेकर जाएंगे तो ये आपका टेबल बनना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, आप चाहें तो इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने कॉलम्स, यानी कि ये ऊपर से नीचे जो चीज़ें जाती हैं उसको कॉलम कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो चीज़ें जाती हैं उसे रोज कहते हैं। तो आप कितने कॉलम और कितने रोज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर वगैरह चूज करके भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे तीन चार बाय तीन का जो है, फॉर एग्जाम्पल चार कॉलम चाहिए और तीन रोज चाहिए, तो इस तरह करके आप ओके कर सकते हैं। तो देखें ये बन कर आ गए, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ और मैं फिर से टेबल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे चार कॉलम और तीन रोज इस तरीके से बआसानी ले लूँगा। देखें इंसर्ट टेबल के नीचे ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल में ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि इसमें जो है बड़ी ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह करना पड़ता है, तो इसे तो यूज़ आप करके देख लीजिएगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो देखें ये इस तरीके से जो है ड्रॉ करता है, ये देखें ड्रॉ हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, इसके अलावा ये रोज़ बन गई, सॉरी ये रोज़ बन गई है और ये रोज़ बन गई। ठीक है, तो ये इतना कोई अच्छा नहीं होता इसको करना, इस पर काम करना, तो इस बेहतर है मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो इसे मैं डिलीट टेबल कर देता हूँ, फिर से इंसर्ट पे आते हैं। और जो सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है वो या तो इंसर्ट व्यू में चूज़ करता हूँ या फिर ये जो ब्रैकेट हैं इनकी मदद से ही मैं काम कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब देखिए मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करता हूँ। पहले मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है उसे नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ पे 28 लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर 14 कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सिटी या लोकेशन, और यहाँ पर हम कर देते हैं, पहले मैं तमाम डेटा लिख लेता हूँ उसके बाद ये जो बार बार टेक्स्ट बड़ा हो रहा है उसको इकट्ठा एक साथ ही मैं सही कर दूंगा। लोकेशन, उसके बाद रूम टाइप, ठीक हो गया, इसके बाद जो है प्राइस पर नाइट, और प्राइस पर वीक, पर वीक अगर लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो लोकेशन है फॉर एग्जांपल हमारी कराची, उसके बाद रूम टाइप है किंग बेड, और प्राइस है पर नाइट की 4000, और वीक पे जो है आपको 20,000 रुपये का मिलेगा रूम। इसके अलावा हैदराबाद किंग बेड,
और ये मैं आगे जो है टेप दबा दबा कर जा रहा हूँ, मैं माउस का सहारा नहीं ले रहा। आप जैसे जो जो आपने लिखनी थी चीज़ वो लिख लें, उसके बाद टेप दबा दें तो आप आसानी आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले बॉक्स के अंदर। और ये आपको पड़ेगा, ये 20,000 रुपये हो गया, ये आपको 18,000 रुपये पर वीक को मिलेगा। अब मैं इसका तमाम का तमाम टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट करके और इसका जो टेक्स्ट है वो 12 कर देते हैं। ये नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो देखें, जैसे ही हम जब टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, तो साथ में आपके ये दो टैब और आ जाते हैं, जिसे डिज़ाइन टैब है और एक लेआउट टैब है। तो मैं इसको एक एक करके आपको डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टेबल स्टाइल फंक्शंस वगैरह। इसके अंदर देखें हेडर रो पे चेक है, यानी कि ये जो हमारा जो पहला जो रो होती है इसे हम हेडर रो कहते हैं। और इसका फायदा क्या है इस पे चेक लगाने का? इस पे चेक लगाने का फायदा ये है कि जैसे ही हमारा टेबल बड़ा होता जाएगा तो ये जो कॉलम है उस टेबल के साथ साथ नीचे जाता जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा देखें यहाँ पर ये सारे बहुत सारे स्टाइल वगैरह मौजूद हैं, प्रीसेट्स स्टाइल वगैरह, इसको भी हम देखेंगे। और ये शेडिंग वगैरह ये करना भी हम आस्ता आस्ता एक एक करके अभी देखेंगे। इसके अलावा एक और टैब आपका साथ ओपन हो जाता है, जिसके अंदर अगर आपने टेबल को रिमूव करना है, डिलीट करना है, जितने अभी हमारे पास 4 कॉलम और 3 रोज हैं उसको मैंने फिर से जो है बड़ा करना है, यानी कि कॉलम बढ़ाने या रोज बढ़ानी है। तो यहाँ से होता है किसी कॉलम या सेल वगैरह को मर्ज करना है तो इस सेक्शन से होगा वगैरह वगैरह। हम एक एक करके अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डिज़ाइन टैब में और इसे देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, देखिए मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जो मैंने कराची और हैदराबाद की लोकेशन ऐड की थी उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके ये बड़ा सा टेबल बना लिया, ठीक हो गया। तो अब करना क्या है, हम एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टाइलिंग में आ जाते हैं, और स्टाइलिंग में आने के बाद जो हमारे पास इतने सारे जो स्टाइल्स मौजूद हैं इनमें से कोई एक स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो देखें ये स्टाइल अप्लाई हो गया। और आप नोट करें कि जो हमारा हेडर है वो बनिस्बत दूसरों के काफ़ी चेंज है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसके ऊपर चेक लगाया हुआ है हेडर रो के ऊपर। अगर मैं हेडर रो के ऊपर से चेक हटा दूं तो वो बाकियों से बिल्कुल सेम हो जाएगा, मुख्तलिफ नहीं लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद है टोटल रो। टोटल रो से मुराद ये है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है किसी भी चीज़ की तो आप क्या करें, आप टोटल रो पे चेक लगा दें तो वो क्या होगा कि वो टोटल रो आपको वाजे करके बता देगा कि भाई जनाब वाला ये टोटल रोज है आपकी इतनी, ठीक हो गया। मैं इससे अभी फिलहाल ये चेक हटा रहा हूँ। ये बेंडेड रोज हुई भी है, बेंडेड रोज का मतलब ये है कि स्टूडेंट एक पिंक हो एक वाइट हो, एक पिंक हो एक वाइट हो, इस तरीके से, या फिर जो भी कलर हो ग्रीन वाला या ब्लू वाला जो भी आपने चूज किया हुआ होगा वो एक एक करके एक वाला कलर होगा जो स्टाइल का होगा और एक वाइट होगा, तो वो होता है इसकी मदद से। देखें मैं इधर से चेक हटा देता हूँ तो ये बेंडेड रो खत्म हो गई, मैं इस पर लगा देता हूँ। इसी तरीके से आप बेंडेड कॉलम भी है, आप कॉलम को भी एक वाइट वाला कॉलम होगा एक पहिए वाला हो। मैं रोज को पहले खत्म करता हूँ। जी हाँ देखें, पहले वाइट वाला होगा फिर ये वाला पिंक वाला होगा, या मैं ग्रीन का भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखें एक वाइट वाला होगा, एक ग्रीन वाला होगा, एक वाइट वाला होगा और एक ग्रीन वाला होगा, वगैरह वगैरह। तो ये बेंडेड कॉलम से आता है, मैं बेंडेड रो पे ही चेक कर देता हूँ और बेंडेड कॉलम को खत्म कर देता हूँ। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे चेक का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा वो थिकर होगा बनिस्बत तमाम दूसरे कॉलम के, तो इस वजह से इस पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं चेक हटा दूंगा तो इसकी ये थिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। ये देखें ये खत्म हो गई थिकनेस, चेक खत्म हो गया। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फिर से थिकनेस आ जाएगी। इसी तरीके से ये थिकनेस अगर आपने लास्ट वाले कॉलम पे लगानी है तो आप ये लास्ट पे कॉलम पे चेक लगा दें। तो ये टेबल स्टाइल आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा शेडिंग, फॉर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, शेडिंग वगैरह तब टेबल के अंदर दी जाती है जब कोई चीज़ आप खास कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो हमारा होटल है इसका जो पर नाइट प्राइस है ये सबसे ज़्यादा है, तो मैं इस वाले कॉलम के ऊपर जो है, यानी कि जहाँ पे ये 4,000 लिखा हुआ है, समझेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है 8,000, ये 8,000 है। तो ये सबसे महंगा होटल है, यानी कि रूम है हमारा होटल का जो कि कराची में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर आते हैं और शेडिंग देते हैं और शेडिंग में से येलो कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने येलो शेड लिया तो देखें वो वाला
बॉक्स येलो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरा कर्सर इसी बॉक्स के अंदर था। अगर आपका कर्सर किसी और बॉक्स में होता तो उसके अंदर शेड आ जाता। इसी तरीके से अगर मैं इसी ही जो सेल है इसको कोई दूसरा बॉर्डर वगैरह देना चाहूँ तो वो भी बॉर्डर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला बॉर्डर दे देते हैं और आपको फिर ये पेन आ जाएगा और ये पेन से जो है ये चारों तरफ आपको करना होगा इसके। मैं देखें, मैं यहाँ पर ऐसे और ऐसे एक ही पे, जी हाँ एक ही पे करेंगे और ऐसे और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ ये देखें आ गया। तो ये पेन को अगर आपने ख़त्म करना है तो बाहर जहाँ ये ग्रे बैकग्राउंड है इधर कहीं पर भी क्लिक कर दें तो ये पेन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस पे मैं फिर से आ जाता हूँ और देखें, अगर आपने ये जो बॉर्डर की विथ है इसको बड़ी करनी है तो यहाँ पर ये विथ है, कलर पेन का चेंज करना है तो यहाँ से आ जाता है, वगैरह वगैरह। मैं अगर पूरे टेबल को कलर वगैरह देना चाहूँ तो यहाँ से कलरिंग वगैरह दे सकता हूँ। मैं पहले ये जो छोटा सा ये जो कर्सर बना हुआ है ये इस पे, इसके ऊपर जो है हम कलरिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसकी मदद से, ये जो कर्सर है ब्लैक वाला इसकी मदद से ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, जो भी आपने बॉर्डर वगैरह देना है, मिसाल के तौर पर मैं आउटसाइड बॉर्डर देता हूँ, यानी कि इस टेबल के बाहर की तरफ बॉर्डर लगे तो मैं ये आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर आ गया और वही बॉर्डर आया है जो कि हमने कलर चूज किया हुआ था। आप चाहें तो दूसरा पेन कलर लेकर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर डार्क ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन कर देते हैं और फिर से आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। ठीक हो गया, ये देखें अब ये डार्क ग्रीन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से जो है शेडिंग स्टाइल पेन वगैरह करके जो कॉलम जो रो पूरे टेबल को देना है तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप अपने टेबल को डिज़ाइनिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था डिज़ाइन टेप। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेआउट टेप को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।